नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी के दौर में हैकर्स के दावे ने पैदा किया खौफ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, विजय माल्या, बरखा दत्त आदि के ट्विटर अकाउंट हैकर सनसनी फैलाने वाले हैकर समूह ने दावा किया है कि उनके पास 40,000 से ज्यादा भारतीय सर्वर का डाटा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समूह का कहना है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम हैक करना बेहद आसान है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। इस खुलासे के बाद डिजिटल पेमेंट की ओर कदम बढ़ा रहे भारतीयों में डर पैदा हो गया है कि कहीं उनके बैंक खातों में जमा राशि साफ न हो जाए। इस मामले में साइबर विशेषज्ञों का भी मानना है कि 6 सेकंड में डेबिट और क्रेडिट कार्ड को हैक किया जा सकता है। इस बीच अवैध रूप से रखे गए नोटों को जब्त करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गुवाहाटी में असम पुलिस ने 12 दिसंबर को एक बिजनेसमैन के घर छापा मारकर 1.55 करोड़ रुपए जब्त किए। वहीं जयपुर में भी इसी दिन 93.52 लाख रुपए के नोट बरामद हुए। बेंगलुरु में बीते दिनों 4.7 करोड़ रुपए जब्त किए। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मारे गए छापों में 90 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना बरामद किया गया। हालांकि इनमें नई और पुरानी दोनों तरह की करेंसी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित एक्सिस बैंक पर आयकर के छापे में पता चला कि 44 जाली खातों में 100 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सीबीआई ने मंगलवार को कथित हवाला ऑपरेटर केवी वीरेंद्र को 2000 रुपए के नए नोटों की शक्ल में जब्त हुए 5.70 करोड़ रुपयों के संबंध में कर्नाटक से उसके परिसर से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 4 बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले में आरबीआई अधिकारी के माइकल को भी गिरफ्तार किया है। सरकारी योजनाओं पर नोटबंदी का असर साफ दिख रहा है। गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा में रोजगार 23% तक घट गया है। दूसरी ओर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को कैशलेस बना दिया, जबकि कारपोरेट वर्ग बैंकों में एकाधिकार जताते हुए बैंकों से रुपए निकाल रहा है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने 80 करोड़ रुपए के कपड़े पहनकर खुद को फकीर कहने वाले मोदी पर नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लाइन में खड़े करोड़ों बेवकूफ लोगों का माहौल उड़ाने का भी आरोप लगाया है। अभी नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। ड्राफ्ट रैंकिंग में नंबर 2 बने विराट कोहली, गेंदबाज आर अश्विन 1 नंबर पर कायम। अरुण जेटली ने कहा, संपर्क का 10 वर्ष का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी राखी सावंत, आरपीआई देगी टिकट। विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत तथा पाकिस्तान को मतभेद दूर करने की सलाह दी। शंकर सिंह बाघेला का मोदी पर हमला, कहा झूठ बोल रहे हैं, मोदी बतौर मुख्यमंत्री भी सदन में यदा कदा ही बोलते थे। ये सब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।